की साइंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या ऐसे साइंस हैं जो हमें बता रहे हैं कि लैंग्वेज इज़ इम्प्रूविंग और लैंग्वेज इज गेटिंग द नेक्स्ट स्टेज सो साइंस जो हैं साइंस इसका मतलब है कि किसी भी uh, चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं तो साइन की जो लैंग्वेज है साइन लैंग्वेज जिसको हम साइन लैंग्वेज भी कहते हैं वो लोग जो बोल नहीं सकते वो साइन लैंग्वेज कभी यूज़ करते हैं तो साइंस आर वेरी इम्पोर्टेंट अब कौन से ऐसे साइंस हैं यहाँ पे हम देखते हैं जैसे बच्चे शुरू में बेबलिंग और जेस्टर्स क्राइंग कोइंग बेबलिंग जेस्टर्स अब यहाँ क्या इसका मतलब ये है कि बाज वो फेशियल एक्सप्रेशन से बॉडी जेस्टर्स से किसी भी चीज़ को अपनी फीलिंग्स अपनी पेन अपनी हैप्पीनेस अपनी सैडनेस को एक्सप्रेस करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन से या बॉडी जस्चर्स जैसे गुस्से से चीज़ों को फेंकना या किसी चीज़ को अप्रोच करने के लिए आगे सर ना में हिलाना या खुशी का इजहार करने के लिए स्माइल लाफ ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपनी फीलिंग्स को तो साइंस जो हैं उनके थ्रू बच्चे जो हैं वो आपको अपनी बात बता रहे होते हैं आप जैसे वो बोलना नहीं चाह रहे लेकिन उनके फेस पे आपको पेन नज़र आ रही है साथ ही वो अपना साइन जो है वो टमी की तरफ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दे आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग टू यू दैट दे हैव समथिंग रॉन्ग विद दट टमी सो दैट्स वाई दे आर एक्सप्रेसिंग लाइक दैट तो इसी तरह से बच्चे जो हैं यहाँ पे क्राइंग बाज़ात पेरेंट्स आर वेरी कंफ्यूज विद द क्राइंग ऑफ द चाइल्ड दे डोंट अंडरस्टैंड वाई द चाइल्ड इज क्राइंग सो समटाइम्स यू नो पेरेंट्स बिकम वेरी फैडअप विद द क्राइंग ऑफ द चाइल्ड एंड दे डोंट वॉन्ट टू यो यू नो आइडेंटिफाई द रीज़न बिहड बट दे दे जस्ट वेरी एरोगेंटली और वेरी एग्रेसिवली दे ट्रीट द चाइल्ड तो वो उसकी पेन को मजीद बढ़ा देता है किराए का मतलब यह है कि कोई भी इंसान बच्चे समेत क्राए करना नहीं चाहता तो किराए का मतलब यह है कि मस्ट बी समथिंग रॉन्ग भूख हो सकती है उसकी रीज़न कोई उसकी डिजीज़ हो सकती है उसकी रीज़न उसकी कोई पेन हो सकती है अच्छा एक जो मज़े की एक इंफॉर्मेशन है वो ये है कि बाज़ बच्चे जो हैं वो ये देखते हैं कि जब वो क्राई करते हैं तो पेरेंट्स फौरन भाग के आते हैं और उनको गोद में उठा लेते हैं समटाइम्स दिस देइलॉजिको साइकोलॉजिकली डॉज यू और वो आपको uh, जब भी आप सामने आते हैं तो वो क्राइंग फेस बना लेते हैं एक्चुअली दे डोंट हैव एनी क्राई रीज़न बट दे वॉन्ट टू जस्ट यू नो मेक यू फूल और जस्ट वॉन्ट टू मेक अ फन ऑफ एनी थिंग एंड दे वॉन्ट टू जस्ट एक्सप्रेस द क्राई साइंस सो पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड दैट द वाई द चाइल्ड इज डूइंग लाइक दैट सो पेरेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड तो क्राए जो है इसकी रीज़न्स जेनुन भी हो सकती हैं इसकी रीजनस फेक भी हो सकती हैं लेकिन ये डिपेंड करता है कि अब पेरेंट्स ये ना हो कि वो जेनुनली ए चाइल्ड इज़ क्राइंग बट यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट ही इज़ फेकिंग बट यू नो दिस इज़ द इंट्रैक्शन ऑफ द मदर विद द चाइल्ड एंड शी अंडरस्टैंड वेल दैट वाई अ चाइल्ड इज़ क्राइंग सो बात आपकी मेडिसिन यूज़ कराने से Uh, खाना खिलाने से भी बच्चे जो हैं वो क्राई स्टॉप नहीं करते इसका मतलब है कि दे हैव समथिंग वेरी सीरियस दैट इज़ कॉजिंग पेन एंड दे आर क्राइंग सो क्राइंग इज़ वेरी यू नो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट एंड वी नीड टू फोकस ऑन द क्राई बिकॉज चाइल्ड कैन नॉट यूज़ वर्ड्स टू एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग्स और एनी काइंड ऑफ पेन और एनी डिजीज़ सो so, यहाँ पर अभी आगे जैसे अब वो खुश होते हैं तो मुझ मु से आवाज़ें निकालते हैं और uh, जैसे फर्स्ट वर्ड्स टू वर्ड्स अट्रेंस ए रिकगनाइजिंग लैंग्वेज साउंडस हैं लैंग्वेज साउंडस हैं वाटर तो दे जस्ट ओनली से वॉ और दे कैन ओनली यू नो यूज़ फॉर द ईटिंग डिश दैट स्वी ये इस तरह से कुछ शॉर्ट वर्ड्स बना लेते हैं बच्चे तो

आप उनको कहते हैं कोई काम करने के लिए तो वो कहते हैं नो no. सिर्फ हाथ से इस तरह कहेंगे और या आपको यूँ खामोश होने के लिए इशारा करते हैं तो ये सारी साइन लैंग्वेज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस टाइम पे पेरेंट्स मस्ट यूज़ चिल्ड्रन आर यूजिंग एंड पेरेंट्स मस्ट गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस साइंस प्रॉपरली देन दे कैन यू नो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड